इच्छा की और वो शिव जगत और जीव के रूप में फैल गया। अब वही शिव दया करते हैं, दया उनमें है, करेंगे क्या, वो दया करते हैं तो जीव फिर शिव बनता है। इसी दया को गुरु कहते हैं। आप जो कहते हैं कि हे महादेव मुझ पर दया करिए, इसका यही अर्थ है। कहा जाता है कि गुरु के अलावा किसी को भी दया करने का अधिकार नहीं है। महादेव भी देवता के रूप में, महादेव महादेव के रूप में, उनको हक नहीं है कि वो दया कर सकें। उनको गुरु की कुर्सी पे जाना ही होगा। और कुर्सी पे जाना क्या है? कुछ नहीं है ये। अभी आप घर लौट के जाइएगा, आपकी पत्नी कहेंगी देखो आ गए मुंह झौजा गई रो शिव चर्चा में काम धाम छोड़ के। तब तक बेटी कहेगी पापा कुछ खा लीजिए, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप। तब तक बाबू जी कहेंगे इस ससुरा का खाई, ए लेटरिन में पानी रखो तो हमको लेटरिन जाना। आप बताइए तो जरा, पत्नी को जिस भाव से उत्तर देंगे पिता को उस तरह दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते आप। पिता जैसे बोलेगा आपके भीतर का पुत्र बोलेगा, पत्नी जैसे बोलेगी आपके भीतर का पति बोलेगा, बेटी जैसे बोलेगी तत्क्षण आपके भीतर का पिता बोलेगा। कुर्सियां बदली है, देखिए कितनी आसानी से भाव संप्रेषित हुआ है और कुर्सी बदली, पिता पुत्र हुआ, पिता पति हुआ, देखिए कैसे बदलता है ये। ठीक उसी तरह से जब शिव को कहेंगे आपकी हे महादेव हम पर दया करिए, वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है वो, दया का मानी होता है कि गुरु पर धारित करते हैं वो, दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दें, वो ईश्वर हैं, महादेव हैं, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, देते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है, उसी समय अगर भगवती कहें क्या हरिद्रान से गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं, महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव, कहानी है हमारे टीवी में करिया फोटो आता रहुआ में नीमो ना होता तो हम क्या करें, हमारे टीवी बा। एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुंह ठिसवाए रह गया, महादेव चले गए। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है, जैसा भाव देंगे वैसा आवेगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा विज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बसेगा नहीं, उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत, उसी के भीतर से वो क्षरण होता है शक्ति का। कभी समय मिलेगा तो शक्ति तंत्र को जब समझाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी, तब भगवती की स्थिति समझ में आएगी। जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए, उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है। एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है। जिस तरह से उसकी सृष्टि की इच्छा से हम आप सृष्ट होते हैं, उसी तरह उसके साथ चलती है उसकी अनुग्रह शक्ति, साथ चलता है उसका दया भाव। शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह गुरु तो हमारे आपके रोम रोम में बसता है। केवल जरूरत है अपने शिष्य भाव को अंकुरित कर लेने की, पनपा लेने की, पैदा कर लेने की। वो तो कण कण में बसता है, गुरु भी बसता है, ईश्वर भी बसता है। मतलब ये है कि आप हम चाहते क्या है, प्रयोजन हमारा आपका क्या है। जैसा हमारा आपका भाव होगा वैसे परिणाम आवेंगे, भाव के अनुरूप ही हमको आपको मित्रता करना चाहिएगा तो मित्र का परिणाम आवेगा,
मित्रता नहीं करिएगा तो मित्रता का परिणाम नहीं आवेगा। आगे गुरु तत्व में विभेद जाने की जिज्ञासा की है, वही तंत्र में शिव गुरु की क्या अवधारणा है इसे जानना चाहा है देवा प्रसाद सिंह बेगूसराय ने। देखिए शिव और शिव गुरु की व्याख्या तो अभी हमने की, सवाल का उत्तर हो गया। तंत्र में शिव की क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं? तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा, तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा समझ लीजिए। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए आपने शिव को गुरु माना है, नहीं भी माना है तो हम आप आदमी हैं। अपनी बुद्धि का हमको आपको प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा कीने जाई ले हमनी का तो कही ले कि 2 रुपया घटावा हो, 5 रुपये 50 रुपये के सौदे में तो हम लोग सौदेबाजी करते हैं, और जहां ईश्वर की बात है गुरु की बात है थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। पूजा की बात है हम तो विचारते ही नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या, हम तो विचारते ही नहीं कि नमः शिवाय का जप करते हैं तो क्या होना, नहीं विचारते हैं हम लोग। बाबूजी कहले बने तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जप करत नहीं, लोग हमरा के बतौले बात तो करत नहीं। इसको उलट के बोलूंगा तो खराब लग जाए। जो जो कहेगा सो करिएगा, हम कि अपनी बुद्धि का हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं विचारते हम लोग। क्यों नहीं विचारते? इसका महत्व नहीं समझते। कपड़े का महत्व समझते हैं, पैसे का महत्व समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं समझते। रूटीन वे में करते हैं, करना है लोगों ने सिखला दिया है तो करते हैं। जानते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब शिव को गुरु माना था और शिव से जब मुझको कोई परिणाम नहीं आ रहे थे, मैं किससे कहने जाता बताइए तो जरा, कोई तो नहीं था। मेरे मन ने यही आरा गांगी स्मशान में 1974 में ये तय किया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैं भगवान शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मैं तो नहीं जानता था कि महादेव गुरु होते हैं, मुझको नहीं पता था, न किताबों में पढ़ा था न किसी से सुना था। मैं किससे पूछने जाता, कौन मेरी बात सुनता? कोई तो नहीं था। मेरे मन का फितूर था, मेरे मन की कल्पना थी या शिव की दया होगी, नहीं कह सकता क्या स्थिति है। आज तो पकड़ते हैं हरिंद्रानंद को, आप तो पकड़ते हैं रामविलास सिंह को, आप तो पकड़ते हैं दूसरे गुरु भाइयों को कि महादेव के गुरु मलना 2 महीना हो गई, हमरा कुछ नहीं के बुझात। बताई तो हम केकरा के पकड़ती 1974-75 से लेके 82 तक शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक। 74 में मैंने यही आपके पुराने शाहबाद के जिला मुख्यालय में मैंने शिव को गुरु माना था, और 1982 में जब मेरी बदली मैं स्टेट के रूप में मधेपुरा में हुई थी, तब मैंने 8 वर्षों के बाद वहां के साथियों को जो श्मशान में सहरसा में मेरे साथ जाते थे उनको मैंने, अब तो उसमें माननीय मंत्री भी बिहार के हैं लोग, मैंने उनको कहा कि छोड़िए अब श्मशान की पूजा, चलिए शिव को गुरु मानते हैं। यानी शिव को गुरु मानने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यहाँ भी झूठ नहीं है, यहाँ भी फरेब नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ की दुनिया में फरेब पाया था, झूठ हमको मिला था, दुख मिला था, प्रताड़ना मिली थी। तो जो हमको मिलेगा वही ना आपको देंगे भाई साहब, जो मेरे पास रहेगा वही ना देंगे आपको, हम कहां से लाएंगे दूसरी चीजें। हमको मिला है अविश्वास, हमको मिला है धोखा, हमको मिली है अश्रद्धा। आप मुझसे विश्वास मांगते हैं, आप मुझसे श्रद्धा मांगते हैं, झूठ बोलूंगा तो दे दूंगा आपको, लेकिन सही स्थिति तो यही है कि मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे पास श्रद्धा नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले की दुनिया समझता हूँ, इसके आगे समझने की हमारी आपकी स्थिति अब नहीं रह गई है। 8 वर्षों तक शिव को गुरु मान के मात्र मैंने अपनी पत्नी और 1-2 आदमी को मैंने कहा था कि मैंने शिव को गुरु माना, और इतने मेरे साथी थे, बचपन से पूजा पाठ की दुनिया से जुड़ा हूं, कितने साथी होंगे अभी,
किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। जो मेरे साथ श्मशान जाते थे, जब मैं मजिस्ट्रेट हुआ छपरा में, तो वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे शशिभूषण वर्मा साहब। बचपन में मैं उनके साथ जमालपुर की घाटियों में साधना करता था, वहीं वो हेड थे और मैं वहीं डिप्टी कलेक्टर होके गया था। 1978 की बात है ये। रात रात भर हम और शशिभूषण वर्मा साहब रहते थे श्मशान में, वहीं छपरा के में नदी के किनारे। कभी उनको मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, इसीलिए कि मुझको लगता था कि यहां भी फरेब है, यहां भी झूठ है। मेरे पास था फरेब, मेरे पास था झूठ, मैं कहां से लाता विश्वास? गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है।